देखिए फ्रेंड, फिश करी बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, कितनी टेस्टी बनी है। तो आप इस तरह से घर में बना सकते हैं, खिला सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनेगी इस तरह से बनाएंगे आप तो। हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिश करी की रेसिपी। आज मैं आपको फिश करी बना के दिखाऊँगी बिल्कुल गाँव के स्टाइल में। फिर चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े साइज का प्याज, जिसे मैंने चौक काट लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा साइज का टमाटर, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और यहाँ पे मैं कुछ मसाले ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। यहाँ पर मैंने लिया है धनिया पत्ता। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 छोटी चम्मच जीरा। यहाँ पे मैंने 5 से 7 लिया है करी पत्ता। थोड़ी सी मैंने लिया है मेथी के दाने। नमक लूँगी टेस्ट अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सरसों के दाने लिया है। और यहाँ मैं ले रही हूँ गेहूँ के आटे। यहाँ पे मैंने 800 ग्राम फिश लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से 2-3 पानी से साफ़ कर लिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें डाल दूँगी, यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक डाल दूँगी। साथ ही डाल दूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच गेहूँ के आटे। गेहूँ के आटे से फिश जो है चिपकती नहीं है कढ़ाई में, बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाती है। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच सरसों का तेल और मैं फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मछली को। अब मैं 2 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। देखिए मैंने सरसों को पीस लिया है। अब मैं पेस्ट बना लूँगी ये सब मसाले का। डाल दूँगी हल्दी पाउडर, गरम मसाला छोड़कर मैं ये तीनों मसाले का पेस्ट बना लूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं फिश को फ्राई कर लूँगी। देखिए तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, तेल भी गरम हो गई है। अब मैं फिश को डाल दूँगी। देखिए मछली अच्छे से फ्राई हो गई है, दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैं निकाल दूंगी। देखिए मैंने सभी फिशेस को फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से फ्राई हुई है। डीप फ्राई करने से एक ये फायदा होता है कि ग्रेवी में डालने के बाद टूटती नहीं है। साथ ही डाल इस तरह से फ्राई करें। अब मैं इसमें डाल दूंगी मेथी के दाने, हुआ प्याज। प्याज को भी मैं गोल्डन ब्राउन तक पका लूंगी, जब तक प्याज का कलर चेंज। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ टमाटर। देखिए टमाटर अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पीसा हुआ सरसों। साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। देखिए 1 मिनट के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और सरसों का पेस्ट अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मिर्च, धनिया और हल्दी का पेस्ट और इसे भी मैं 1 मिनट के लिए ऐसे ही भूनूंगी। देखिए मसाले अच्छी तरह से भून गई है।
आप देख सकते हैं मसाले का कलर कितना अच्छा आया है और मसाले ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक गुनगुना पानी लिया है, गुनगुना पानी से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ धनिया। देखिए ग्रेवी में उबाल आने लगा है, अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला। अब मैं इसमें सभी पीसेस डाल दूंगी। फिश को ग्रेवी में डालने के बाद एक मिनट के लिए मैं और पका लूंगी। देखिए एक मिनट के बाद मैं चेक कर लेती हूँ, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है फिश करी और ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। एक प्रोसेस अभी और भी बाकी है, अभी मैं फिश करी में तड़का लगाऊंगी। तड़का के लिए गरम कलछी में मैं एक चम्मच सरसों का तेल डालूंगी। इसमें डाल दूंगी मैं जीरा, देखिए अच्छे से चटक गई है। अब मैं फिश करी में डाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड फिश करी बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, कितनी टेस्टी बनी है। तो आप इस तरह से घर में बना सकते हैं, खिला सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनेगी इस तरह से बनाएंगे आप। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।